महाराष्ट्र में संक्रमण के मामले भले कम हो रहे हों, लेकिन जिस रफ्तार से बीते 60 दिनों में बच्चे संक्रमित हुए हैं, यह आंकड़ा हैरान करता है। दो महीनों में बच्चों में संक्रमण के मामले 332% बढ़े हैं। मुंबई में मई महीने में 9 साल तक के 9 बच्चों की जान कोविड से गई है। 4 साल का एक बच्चा सिर्फ 3 दिन के बुखार के बाद सीधे वेंटिलेटर पर चला गया। पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। 4 साल का ये मासूम 7 दिनों से वेंटिलेटर पर है। एंटीबॉडी पॉजिटिव है। 3 दिन के बुखार में ही हालत बेहद नाजुक हुई। स्पर्श चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम इसे बचाने की मुहिम में जुटी है। 2 ही दिन में इसका जो चेस्ट है ना सर, जो लंग्स जो है, उसका लंग्स एकदम स्टिफ हो गया है। इस वजह से बच्चा ऑक्सीजन ले नहीं ले पा रहा है। अगले दिन ही तुरंत इसको वेंटिलेटर में रखना पड़ा और पता चला कि इसका कंडीशन जो है नेक्स्ट मतलब बहुत वर्स्ट हो चुका है, जिसके लिए डॉक्टर बता रहे थे कि इसको मतलब जान बचाना मुश्किल है। बट फिर भी डॉक्टर इरफान अली टीम और डॉक्टर शाह एंड टीम ने 24 आवर केयर लेके इसका जो भी ट्रीटमेंट करने के बाद अभी फिलहाल बच्चे का जो हेल्थ है अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। बट बच्चा अभी भी काफी क्रिटिकल है। आइनोट्रॉप्स वगैरह भी लगा है बच्चे को, तो काफी क्रिटिकल है। लेकिन स्टोरी ये है इसमें कि बच्चा 3 दिन की तकलीफ में डायरेक्टली वेंटिलेटर पर पहुंच गया। तो अभी कैसा है ये मैसेज पेरेंट्स के लिए है, बिकॉज इतना खराब और इतने कम टाइम में इतना खराब होना वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता कोई। तो अभी 3 दिन का फीवर और अभी 4th दिन पे वेंटिलेटर डायरेक्टली। तो अभी ऐसे में क्या करना है, अगर बच्चों फीवर हाई ग्रेड है, बच्चा डल लिथार्जिक है, सांस लेने में तकलीफ है, तुरंत ही हॉस्पिटल में जाके दिखाना चाहिए। महाराष्ट्र में बच्चों में संक्रमण के 60 दिनों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1 अप्रैल से 29 मई तक 10 साल तक के 99,006 बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए हैं। अप्रैल महीने में 51,648 और मई महीने में 47,358। मई में 10,494 कोविड पॉजिटिव बच्चे 4 साल से कम उम्र के हैं। बीते साल की पहली कोविड लहर में कुल 67,110 बच्चे संक्रमित हुए थे। इस साल सिर्फ 5 महीनों में ही 1,28,827 बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं, पिछले साल से 92% ज्यादा। इस साल के अप्रैल और मई महीनों में बच्चों में संक्रमण के मामले 332% बढ़े हैं। बीएमसी डैशबोर्ड की माने तो मुंबई में मई महीने में 9 साल तक के 9 बच्चों की कोविड से मौत हुई है। 2020 में बच्चों में एक्यूट कोविड इन्फेक्शन बहुत कम हुआ था। कोविड इन्फेक्शन की वजह से पहले 14 दिन में बच्चे को एडमिट करने की जरूरत कम पड़ी थी और बच्चों में जो एक्यूट कोविड इन्फेक्शन है उसमें न्यूमोनिया इतना नहीं लगा था। उसकी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इस साल में हम देख रहे हैं कि बच्चों को भी एडल्ट की तरह न्यूमोनिया हुआ है। कुछ कुछ बच्चों को एडमिट करने की जरूरत पड़ी है और उनको मेडिसिन मॉनिटरिंग और आईसीयू का केयर भी लगा है। कुछ कुछ बच्चों में एक्यूट कोविड में भी अलग अलग प्रकार के प्रेजेंटेशन देखे गए हैं, जैसे किसी को लंग एब्सेस हुआ है, किसी को गले में बड़ी बड़ी गांठें हो गई है, किसी को एब्सेस फॉर्मेशन हुए हैं, किसी को हार्ट पे असर हुआ है और उनको कोविड के जो वार्ड है उसमें रख के हमको उसका ट्रीटमेंट देना पड़ा है। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सिर्फ मई महीने में 1 से 18 साल के 9,928 बच्चे और किशोर संक्रमित हुए हैं। जिले में बच्चों के लिए कोविड वार्ड बनने लगे हैं। नगर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 महीने में अप्रैल और मई में ओवरऑल पॉजिटिविटी ज्यादा थी। उस कंपैरिजन में 8 से 10% नॉर्मल कोर्स में बच्चों का भी इसमें पॉजिटिविटी रेट 8-10% तक था। इसमें कोई ऐसे मेजर सीरियस कोई इंसिडेंसेस नहीं थे, लेकिन इस वायरस की एक स्प्रेडेबिलिटी की वजह से पूरी फैमिली की फैमिली पॉजिटिव होती थी। उसमें 1 साल से लेकर 18 साल तक बच्चे छोटे मोटे इसमें घर के अंदर पॉजिटिव होते थे, तो वो ओवरऑल पॉजिटिविटी ज्यादा रहने की वजह से उनकी संख्या भी ज्यादा हो गई। तो उसमें हमारे पास अप्रैल महीने में अगर वो संख्या देखो तो टोटल 80,118 बच्चे पॉजिटिव थे, बच्चे नहीं अडल्ट पॉजिटिव थे टोटल। उसमें से 7,760 बच्चे 1 साल से 18 साल तक पॉजिटिव थे। ऐसे मई में 86,182 फिगर थी टोटल पॉजिटिविटी की, उसमें से 9,928 बच्चे पॉजिटिव थे। करीब 95% बच्चे कम या न के बराबर लक्षण वाले बताए जाते हैं, जिनका घर पर ही इलाज हो रहा है, लेकिन अस्पताल और आईसीयू वेंटिलेटर की दरकार वाले बच्चों की संख्या में इस बार इजाफा हुआ है।
एक्सपर्ट्स बच्चों के लिए फ्लू के इंजेक्शन की सलाह दे रहे हैं ताकि बदलते मौसम में कोविड के लक्षण उलझन में न डालें। अहमदनगर से सागर दुसाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।